हाय एमपीएन, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला माध्यमिक पाठशाला पर। तो वे बच्चे जो हम लोग के साथ लॉकडाउन में 2021-22 में पढ़े थे और अपना माध्यमिक का एग्जाम दिए थे, अब वे क्लास 12 में आ चुके हैं और अपना 12 का एग्जाम देंगे। तो उन बच्चों के डिमांड पे हम लोग कुछ सब्जेक्ट है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। वो सब्जेक्ट क्या है, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हिंदी। तो क्लास 12 का जो हिंदी है वेस्ट बंगाल बोर्ड का, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं, उसके सिलेबस के बारे में जानते हैं, उसको कैसे कम्प्लीट किया जा सकता है इतने कम समय में, उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है। पहली बात क्या है, हिंदी आसान विषय है और इसमें जो मार्क्स होता है वो आसानी से उठाया जा सकता है, लेकिन कुछ गलतियों को के कारण हम लोग का जो हिंदी में मार्क्स है वो कहीं ना कहीं कट जाता है। तो उन गलतियों को कैसे सुधारना है और कम मेहनत करके, हिंदी एक सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा सा कम मेहनत करके भी आसानी से नंबर आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम का है और हिंदी हम लोग का सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट जो होता है वो हिंदी ही है। तो हिंदी में थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। अब किस पोर्शन पे मेहनत करना है, किस तरीके से मेहनत करना है, किस डायरेक्शन में आपको मेहनत करना है, वो हम लोग इस कोर्स में देखेंगे, सीखेंगे और अपना जो हिंदी का मार्क्स है वो अपना अप करेंगे, हिंदी के मार्क्स को बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, ओवरऑल जो मार्क्स होगा आपका क्लास 12 में वो भी आपका क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आज क्या करेंगे, थोड़ा सिलेबस के बारे में हम जान लेते हैं। ऐसे तो आप लोग सिलेबस के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन तब भी एक बार मार्क्स के हिसाब से सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आज के क्लास में इंट्रोडक्शन सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद के जो क्लास होगा उसमें किसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और अपना हिंदी का जो सिलेबस है क्लास 12 का वेस्ट बंगाल बोर्ड का, उसको थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं अपना क्लास 12 का। देखिए क्या है सिलेबस ऑफ क्लास 10 WBCHSC, ठीक है, वेस्ट बंगाल क्लास 12 का जो HS बोर्ड है उसके लिए हिंदी का जो सिलेबस है आपका बुक दिया गया होगा गवर्नमेंट की तरफ से, उसी बुक का हम बात कर रहे हैं। उसमें क्या क्या है आप लोग जानते हैं, गद, गद के अंदर आपको निबंध और कहानी पढ़ना है, दो आपका निबंध है कुटज और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, ठीक है, ये इनके रचयिता है, इनके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ आपको तीन कहानियां पढ़ना है, भाई बहन, नशा और मलबे का मालिक, ये तीन कहानी। इस पूरे पोर्शन से आपका क्या आता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब देखिए मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पांच चैप्टर, इसमें भी अगर कुछ कुछ पोर्शन होता है जिसमें ऑप्शन रहता है कि ये पोर्शन आप कीजिए, ये पोर्शन नहीं कीजिए, तब भी आपका काम चल जाएगा। कम मेहनत में भी आपका 20 मार्क्स लाया जा सकता है, ठीक है। तो हिंदी का जो ये कोर्स रहेगा इसमें हम यही सीखेंगे कि मेहनत हम लोग को कम करना है, एफर्ट थोड़ा सा कम करना है और मार्क्स को क्या करना है, थोड़ा सा ज्यादा करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें देखेंगे और जो समय बचेगा उस समय को हम अपना कोई हार्ड सब्जेक्ट जो है, जो हमको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है, उसको हम उस समय को बचा के वहां पे डालने का कोशिश करेंगे। वो आप लोग कीजिएगा, हम आपका हिंदी का जो समय है वो समय थोड़ा बता देंगे, बचा देंगे आप लोग का, नोट्स अच्छे से किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये सारी चीजें आप लोग को हम बता देंगे और जो समय बचेगा उसको आप किसी ऐसे सब्जेक्ट में यूज कीजिएगा जहां पे उसकी जरूरत है। तो गद में आपको निबंध और कहानी पढ़ाया जाएगा जिसमें आपको पांच चैप्टर, दो इसमें, तीन इसमें, टोटल यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब किस तरीके से आएगा, MCQ कैसे आएगा, ये सारी चीजें हम लोग कोर्स के दौरान देखेंगे। उसके बाद आपका काव्य, काव्य में आपका पांच को यहाँ पे रहेगा, काव्य क्या, कबीर की साखी, तुलसीदास के पद, संध्या सुंदरी, अवकाश वाली सभ्यता और हो गई पीर परवसी, दुष्यंत कुमार, ये जो काव्य है इससे भी आपके कितने अंक आएंगे, 20 अंक आएंगे, ठीक है। इसमें से भी कुछ कुछ ऑप्शन आता है, ये दो कीजिए, इन दोनों से क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों को छोड़ भी सकते हैं या थोड़ा ऐसे नजरअंदाज कर सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को हम सब कुछ ट्रिक के साथ, तरीके के साथ बताएंगे जिसमें कम एफर्ट में आपका काम निकल जाएगा, अगर अभी तक आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े होंगे तब, और अगर कुछ पढ़े होंगे तो आपका दम मार्क्स जो है थोड़ा सा अप ही होगा इस कोर्स के दौरान, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, ये तो आपका मेन बुक था, मेन बुक में आपको जो गद है और काव्य है यहां से टोटल 40 मार्क्स आपको जो क्लास 11 में आपको पीला कलर का बुक दिया होगा, ठीक है, उसी बुक का हम बात करें, उसमें क्लास 11 और 12 दोनों सिलेबस रहता है। तो जो कहानी और कविता उससे आपके टोटल 40 अंक आपके जो एग्जाम है HS का उसमें आएंगे। उसके बाद आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, ये अमूमन जो क्लास मतलब सरकारी बुक नहीं है, ये आपको प्राइवेट से खरीदना पड़ता है, ठीक है, और ये हिंदी साहित्य का इतिहास एक बुक आता है, इसमें से भी आपके ये 6 टॉपिक है, इन 6 टॉपिक से टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्लास 11 में आप लोग देखे होंगे, ठीक है, अमीर खुसरो, इन सब के बारे में, ठीक है, जो हिंदी
साहित्य, हिंदी जो सिलेबस है या हिंदी जो सब्जेक्ट है, लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज कैसे डेवलप हुआ, इसका कैसे विकास हुआ, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। किस समय कौन से कवि आए, कहानीकार आए, रचनाकार आए, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ा जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये बुक आप लोग के पास नहीं होगा, ये बुक बाहर से मार्केट से जाके खरीदना पड़ता होगा, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। अगर आप इस कोर्स को कीजिएगा तो इसका सारा नोट्स जो है किस तरीके से क्या करना है, पाँच पाँच मार्क्स का कैसे दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एमसीक्यू कैसे पाँच को आता है, ये सारा चीज़ आपको सिलेबस में कंप्लीट करवाया जाएगा। इसमें से कुछ जो होते हैं चार ऑप्शन आते हैं, कुछ बहुत बार आ चुके हैं तो उसको आप छोड़ सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है, किताब तो हम लोग नॉर्मली क्या होता है, काव्य रहता है या कविता रहता है, ये सब चीज़ें तो हम लोग अमूमन किताब से ही पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो होता है ये हम लोग नहीं पढ़ पाते, उतना समझ में नहीं आता, और किताबों में बहुत बड़ा बड़ा करके लिखा भी रहता है, लेकिन जो एग्जाम में उसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखना पड़ता है, किस तरीके से लिखना है, कैसे नोट्स बनाना है, ये सब आपको जब कोर्स करवाया जाएगा तो इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे जो अमूमन फंसते हैं वो इसी टॉपिक पे फंसते हैं। लेकिन घबराने का बात नहीं, इस टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से प्रीवियस ईयर के साथ करवाया जाएगा, जिससे आप एक क्वेश्चन भी ना अटके, ठीक है। तो ये खड़ी बोली, भारतेंदु युगीन, द्विवेदी युगीन, छायावाद, ये से प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा। ये क्या है प्रयोगवाद, क्या है छायावाद, क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको परिभाषा के साथ, एक एक कवि के बारे में, एक एक रचनाकार के बारे में आपको वहाँ पर पढ़ाया जाएगा इस कोर्स के दौरान। तो इस पोर्शन से आपके कितने मार्क्स आते हैं, 15 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको किसी प्रकार का किताब, गाइड खरीदने या कोई जरूरत नहीं, सब इस कोर्स में ही पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके बाद आपका जो आता है, आपको बुक दिया गया होगा, बुक में आपका जो लास्ट पन्ना रहेगा, अगर लास्ट पन्ना अपना पन्ना करके होता है ना, लास्ट पन्ना दिया रहेगा जिसमें वर्ड मीनिंग या परिभाषिक शब्दावली, ठीक है, वर्ड मीनिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहते होंगे, ठीक है। आप लोग देखिएगा आप लोग किताब में, अगर आपका फटा नहीं होगा तो अमूमन क्या होता है, लास्ट पन्ना तो हम लोग का फट ही जाता है, लेकिन अगर आपका फटा नहीं होगा तो लास्ट में देखिएगा 50 आपका वर्ड मीनिंग रहता है, वो जैसे दिया रहता है, ठीक है, जैसे टाइपिंग का होगा, टंकन ऐसे करके दिया होगा, वहाँ से आपके 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, उसी से आते हैं, और कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। तो जो बच्चा अपना हिंदी का 5 मार्क्स सिक्योर करना चाहता है, वो क्या कर सकता है, वो जो वर्ड मीनिंग लास्ट वाला पढ़ना है 50 को, वो पूरा कंटेंट याद कर लीजिए, रट लीजिए, आपका 5 मार्क्स ऐसे ही आ जाएगा, बहुत ईजी रहता है। टाइपिंग का हिंदी 4 को लिखा रहेगा, कोई टंकन होता है सही तो उस पर टिक कर देना रहेगा, एमसीक्यू में आएगा तो वो सारा चीज आपको बताया जाएगा, याद करवाया जाएगा। तो परिभाषिक शब्दावली मतलब वही जो आपका वर्ड मीनिंग है, यहां से 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद क्या है, रिपोर्टाज या पत्र लेखन लेटर राइटिंग जो होता है, ठीक है, या रिपोर्टाज, यहां से भी आपके कितने आएंगे, 10 अंक आएंगे। तो 10 अंक आपको किस किस प्रकार के लेटर करने हैं, ठीक है। अमूमन जो होता है ना, अधिकतर जो होता है एग्जाम में आपका लेटर राइटिंग ही दे देता है, भाई बहन को लिखो, ठीक है, भाई एक भाई दूसरे भाई को समझाते हुए लिखो, अलग अलग परिस्थिति पे। तो ये लेटर राइटिंग जो है ये भी बहुत खास है, क्योंकि इसे 10 मार्क्स के आते हैं और एक ही तरीके से लिखा जाता है, अलग अलग टॉपिक पे लिखा जाता है। जो होता है ना, हम लोग किताबों में जब पढ़ते हैं, जो वेस्ट बंगाल में किताब दिया गया उस किताब में ये सब चीजें नहीं है, ग्रामर के लिए अलग किताब खरीदना पड़ता है, उसके लिए अलग पैसे लगते हैं, लेकिन कोई नहीं, हम लोग आ चुके हैं, हम लोग सब कुछ आपका एक ही में करवा देंगे। तो ये रिपोर्टाज अथवा जो पत्र लेखन है ये 10 मार्क्स से आता है, ये लोग भी, ये जो है इस पोर्शन को भी आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद व्याकरण में क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे तो 4 ही टॉपिक रहता है, ठीक है, 11 में तो उतना पढ़ते नहीं, लेकिन क्लास 10 का ही हम रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर क्लास 10 में व्याकरण हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें 4 टॉपिक रहता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक है, देखिए क्या है, कारक, चिन्ह, संधि, समाज, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन बहुत अच्छा है, ठीक है, वाक्य गलत दिया रहेगा उसको सही करने बोलेगा, ठीक है, इसमें भी आपका मार्क्स आएगा। वाक्य परिवर्तन, ठीक है, मुहावरा, जो वाक्य आप लोग पढ़ते हैं परिवर्तन, संयुक्त से सरल वाक्य ऐसे करके चेंज करने देता है, और मुहावरा भी आता है, मुहावरा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बचपन में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, 9-2-11 होना, भाग जाना, लेकिन यहाँ पे जो मुहावरे रहेंगे वो आपके किताब जो आपके सिलेबस है सिलेबस से संबंधित ही रहेंगे, ठीक है। तो मुहावरा आपका किताब से एक एक लाइन से आपका मुहावरा बनाया जाएगा और आपको दिया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहां से 10 मार्क्स आएगा, टोटल आपका कितना हो जाएगा, 80 मार्क्स हो जाएगा, ऐड कीजिएगा तो टोटल 80 मार्क्स हो जाएगा। लास्ट में आपका क्या है, परियोजना यानी प्रोजेक्ट बनाना है, 20 मार्क्स आपको स्कूल में प्रोजेक्ट दिया जाएगा, वो आप सॉल्व बना के दे दीजिएगा तो वहां से आपको 20 मार्क्स मिल जाएगा।
मतलब आपका 80 मार्क्स का रिटेन आएगा और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट आएगा। प्रोजेक्ट तो स्कूल के टीचर के हाथ में रहते हैं, आप कितना उनके साथ व्यवहार बना है उस हिसाब से आपको नंबर मिल जाएगा। अमूमन क्या होता है 18-19 आपको मिल ही जाएगा। और बहुत अच्छा अगर आपका टीचर के साथ इक्वेशन है, ठीक है, मतलब व्यवहार है, तो आपको 20 में 20 भी दिया जा सकता है। वो अमूमन दे ही देते हैं टीचर, ठीक है, बहुत दयालु होते हैं, वो दे देंगे आपको 20 में 20। तो मतलब आपके हाथ में जो है वो 20 मार्क्स तो यहाँ से सिक्योर हो गया, बचा आपका 80। तो आपको मेहनत कितना के लिए करना है, 80। और चैप्टर देखेगा तो कुछ है ही नहीं, 2 चैप्टर 3 चैप्टर 5 चैप्टर ऐसे करके है। तो कम समय में इस ये जो सब्जेक्ट है इसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपका लाया जा सकता है। और जो 500 में होगा 500 में आपको कम से कम 90-95 ऐसे करके आप इसी में से ला सकते हैं। तो जो आपका ओवरऑल जो परसेंटेज होगा उसको अप करना है, बढ़ाना है, तो आपको हिंदी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और ये नहीं कि हिंदी पे एकदम पूरा 6 घंटा 5 घंटा 4 घंटा ऐसे करके पढ़ेंगे पूरा 90 उठा लेंगे, नहीं, 2-3 घंटा 1 घंटा दिन में भी देख दीजिएगा, अगर अच्छे से पढ़िएगा तरीके से पढ़िएगा 1 घंटा दे दीजिएगा तो इनफ है, 1 घंटा में ही आपका हिंदी का जो काम है वो निपट जाएगा। तो ये आपको आज समझ में आया होगा कि जो सिलेबस है वो क्या है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से कितना मार्क्स आएगा, इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कीजिए कि आपको किस जगह कहाँ मेहनत करना है, ठीक है। परिभाषा, कोई बच्चों को ये जो लास्ट में जो ये दिया होगा वर्ड मीनिंग दिया होगा उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा होगा, लेकिन से 5 मार्क्स आएगा तो उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। व्याकरण से 10 मार्क्स आएगा, तो अगर आप ध्यान नहीं दे रहे कि व्याकरण छोड़ के चले जाएंगे तो आपका तो 80 में से आपको 70 मार्क्स का ही पेपर मिलेगा, 10 मार्क्स तो आप छोड़ के आए तो वो तो हिसाब ही नहीं है करने का। और ऐसा भी नहीं कि बगल से देख के कर लेंगे क्योंकि बहुत कड़ा होता है एग्जाम, ठीक है। 10th क्लास वाला थोड़ा आप लोग बच्चे रहते तो थोड़ा छूट दिया जाता है, लेकिन 12th क्लास में थोड़ा सा कड़ा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आए कि किस तरीके से क्या करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, आपका जो हिंदी का ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपके माध्यमिक पाठशाला जो ऐप है वहाँ पे ये कोर्स हिंदी का क्लास 12 का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका हिंदी साहित्य इतिहास आपका जो मेन बुक दिया है गया है आपका जो व्याकरण दिया गया है पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जाएगा सिर्फ कितने में, 799 रुपये में। माध्यमिक पाठशाला ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर क्या होगा आपको 799 रुपये में हिंदी का कोर्स मिलेगा, उस कोर्स को वाइक कीजिएगा, ठीक है। और 2 से 3 महीने के अंदर ही आपका क्या होगा पूरा सिलेबस आपको वहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। देख सकते हैं फीचर्स क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा वहाँ पे, जब आप इस कोर्स को बाय कीजिएगा तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, डीपीपी मिलेंगे, नोट्स आपको पीटी के फॉर्म में मिल जाएगा, वीकली टेस्ट होगा, डाउट क्लासेस होगी। अगर आपकी डाउट होगा, कुछ शंका होगा, भैया हमको ये समझ नहीं आया तो ऐसा बता दीजिए, तो हाँ आपका वो डाउट क्लास भी होगा। तो भैया क्या आप यहाँ पे बता दिए हैं सब कुछ सिलेबस, हम जाके ऐप पे डायरेक्ट कोर्स को बाय कर लेंगे क्या, आप कैसे पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते वो भी तो एक बार चेक करना जरूरी है। डेम हाँ सही बात है, वो तो हम लोग का इंडिया में चलता ही है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। तो आप हम लोग को इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग का जो क्लास 12 का हिंदी जो है, हिंदी का कोई भी एक चैप्टर जो होगा कंप्लीट यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया जाएगा, कोर्स आपका माध्यमिक पाठशाला ऐप पे चलते रहेगा, आप वहां से डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को हम लोग पे विश्वास नहीं है, ठीक है, कि भैया देख लेते हैं कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, तो एक बार क्या कर सकते हैं आप यूट्यूब पे एक जो चैप्टर है पूरा उसका रिकॉर्डेड वीडियो हम लोग आप लोग के लिए अपलोड करेंगे, वहां पे देखिए, अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया कि भैया जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं हमको लग रहा है कि हाँ मेरा नंबर आ जाएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप ऐप पे जाके वो कोर्स को क्या कीजिएगा बाय कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो एक कहीं जैसा चल रहा था काम उसे चलते रहिएगा दूसरा खोजिएगा। लेकिन हाँ अगर हिंदी में मार्क्स लाना है एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है, इस्तेमाल कीजिए, आपको यहाँ पे समझ में आएगा किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ मेरा मिस्टेक हो रहा था, ठीक है, उन चीज़ों को समझेगा, पूरा बना बनाया आप लोग को दिया जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग माध्यमिक पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे 799 में ये कोर्स वहाँ पे दिख रहा होगा, उसको वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हैं। अगर अभी परचेस नहीं करना चाहते तो जब एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पे, तो यूट्यूब चैनल पे परचेस मतलब कंप्लीट करवाने के बाद आप अगर हम लोग से सेटिस्फाई है कि हाँ भैया लोग हमको पढ़ा सकते हैं, सक्षम है, मेरा जितना नंबर हम चाहते हैं उतना नंबर आ सकता है, जिस तरीके से हम पढ़ना चाहते हैं वो तरीके से भैया पढ़ा रहे हैं, हमको सब कुछ समझा रहे हैं, तो आप जाके जरूर वहाँ परचेस कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हम लोग से पढ़े हुए हैं विश्वास है वो जाके अभी भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन इस्तेमाल कर लीजिए, एक चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही देखा जाएगा। अगर जो बच्चे परचेस करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए आपको क्या करना है, जाके प्ले स्टोर पे जाके माध्यमिक पाठशाला ऐप सर्च करना है, माध्यमिक पाठशाला सर्च करना है यहाँ पे, ठीक है। या फिर आपका जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का वहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया रहेगा माध्यमिक पाठशाला ऐप का, तो उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर प्ले स्टोर पे जाके माध्यमिक पाठशाला ऐप यहाँ पे सर्च कीजिएगा, माध्यमिक पाठशाला टाइप करने से आपका हम लोग का जो ऐप है वो ऐप आ जाएगा, और यहाँ पे आपका इंस्टॉल या डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, आप इस तरीके से लॉगिन कर लीजिएगा, लॉगिन करना तो आपको आता ही है, 12th क्लास के बच्चे हो ही गए आप, ठीक है। तो लॉगिन कर लीजिएगा, लॉगिन करने के बाद आपका क्या होगा, इस तरीके से जैसे ओपन कीजिएगा आइकॉन को, लॉगिन करने के बाद इस तरीके से कुछ फेस खुलेगा, फेस खुलने के बाद यहाँ पे स्टोर पे क्लिक कीजिएगा, स्टोर पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको कोर्स दिखेगा, ये क्लास 10 का कोर्स है, क्लास 12 का इस तरीके का 799 में हिंदी इंग्लिश ऐसे कोर्स दिखेगा, तो आप हिंदी का क्लिक कीजिएगा। हिंदी पे क्लिक करने के बाद क्या कीजिएगा, आप इस तरीके से आपका पेमेंट का ऑप्शन दिया रहेगा, तो बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी मेथड से पे कर सकते हैं, फ़ोनपे पेटीएम किसी भी से पे करके यहां से क्लिक कीजिएगा, और पे नाउ करके यहां पे 799 दिखाएगा आपका, पे नाउ कीजिएगा और आपका क्या होगा, जो कोर्स है वो तुरंत आपका बाय हो जाएगा, आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा और आप वहां पे कोर्स को बाय कर चुके हैं। अब वहां पे रूटीन दिया रहेगा किस हिसाब से कैसे कैसे क्लासेस होगी वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हम लोग पे विश्वास करते हैं और डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं वो डायरेक्ट अभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो बच्चे डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं उनको भी घबराने का जरूरत नहीं कि भैया काहे डायरेक्ट खरीद ले, आप थोड़ा दिखाइए पढ़ाइए तब हम खरीदेंगे। तो हाँ, एक चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा हिंदी का, ठीक है। कविता ही एक चैप्टर, किसी कविता को उठाएंगे, कविता को कंप्लीट करवाएंगे किस हिसाब से, हाँ देखना जरूरी है। अमूमन हम लोग कुछ भी करते हैं तो जाके सब्जी खरीदने जाते हैं या फल खरीदने जाते हैं तो थोड़ा सा काट के चेक करते हैं कि मीठा है कि नहीं, तो एक तो 799 पूरा और पूरा क्लास 12 का हिंदी का सवाल है, कैसे किसी पे विश्वास कर ले। अमूमन एक चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे हम, वहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो अब जाके ऐप पे परचेस कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो था कि किस तरीके से हम लोग सिलेबस को देखे हैं, किस कौन सा पोर्शन से कितना आएगा नहीं आएगा ये सब चीज़ें देखे। नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, हिंदी का कोई भी आपका क्लास 12 का कविता उठाएंगे, कविता को कंप्लीट करने की कोशिश करें, एक दो वीडियो आएगा और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा सिलेबस है तो नोट्स अच्छे से बनाइएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। हम लोग के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, धन्यवाद।